फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए सूजी का ढोकला बनाकर लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये देखने में जितना डिलीशियस और यम्मी लग रहा है आपको, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है और बहुत ज़्यादा स्पंजी भी बना है और सॉफ्ट है और बिल्कुल खट्टा मीठा ढोकला बनाकर रेडी किया है। आइए फ्रेंड्स, हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। ये मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है, तो मैंने ये 1 कटोरी दही ले लिया है। ये मैं घर का दही यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए पूरी सूजी में अच्छी तरह से। देखिए, हमने मिक्स कर लिया है, तो इसी दही वाले कटोरी से मैं इसमें पानी डालूंगी। बिल्कुल मैंने इसी तरह से पानी डाला है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको बिल्कुल इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने पूरा पानी 1 कटोरी डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह का हमें थिकनेस वाला बैटर चाहिए, हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। फ्रेंड्स, देखिए, और इसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, आप इसे खा के ज़रूर बार बार खाना पसंद करेंगे और इसे आप ज़रूर अपने घर में रेडी करें, ट्राई करें और आप हमें बताएं। और देखिए, इसमें 1 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, देख लीजिए। बिल्कुल 1 चम्मच हमने इसमें चीनी डाली है, जो खाने वाले चम्मच होता है बिल्कुल उसी हिसाब से, ज़्यादा बड़े चम्मच चीनी न डाल लें तो मीठा हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से हमें बैटर को रेडी करना है, बिल्कुल इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं फ्रेंड्स इसके अंदर नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। आप फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बहुत ही अच्छा एक यूनिक एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा और आप इसे अपने घर में बार बार खाना पसंद करेंगे। इसे 10 मिनट के लिए अब हम रेडी करने के लिए तैयार कर देते हैं। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया है हमने। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर जिस बर्तन में आप बनाना चाहते हैं उसमें आप घी या तेल यूज़ करके उसे पूरी अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए ऑयल में। देखिए, इस तरह से मैंने घी में ग्रीस कर लिया है इस बर्तन को। इसके बाद देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर भी बिल्कुल अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच से थोड़ा कम आप इसके अंदर मीठा सोडा डाल दीजिए। मीठा सोडा नहीं है आपके पास तो आप बाहर से मार्केट से इनो खरीद सकते हैं। इनो तो घर के सब पे होता ही है अधिकतर, इनो भी आप इसमें नॉर्मल वाला इनो डाल दीजिए, ऑरेंज इनो नहीं डालना है बिल्कुल भी। और इसके बाद देखिए, हम अपने सारे बैटर को अपने उसी बर्तन में डाल देंगे बिल्कुल इस तरह से। आप अपने बैटर को अच्छी तरह से डाल दीजिए, देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद मैंने ये धनिया लिया है, मैंने ज़्यादा बारीक कट नहीं किया है धनिया को। बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आएगा आपके बाइट में और बहुत यम्मी लगेगा आपका ढोकला। आप इसके अंदर बारीक चॉप हुई हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, आपको थोड़ा स्पाइसी टेस्ट चाहिए तो। और देखिए, इसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसको स्टीम करने के लिए रख दिया था पानी में। और उसके बाद आप देख सकते हैं, हमारा ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। आप 15 मिनट बाद इसे ज़रूर चेक कर लीजिए। देखिए, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है हमारा ढोकला। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है हमारा ढोकला अंदर से। हमारा 15 मिनट में ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। तो ये 10 मिनट के लिए हमने ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। अब इसको हम निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट स्पंजी बनकर रेडी हुआ है हमारा ढोकला। और ये खाने में बहुत ही यम्मी है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप बार बार खाना इसको पसंद करेंगे। देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है हमारा ढोकला। इसके बाद फ्रेंड्स, आप देखिए इस तरह से कट कर लीजिए। आपको खट्टा मीठा ढोकला नहीं खाना है, नहीं है पसंद, तो आप इस तरह से भी इस ढोकले को खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करने वाले हैं फ्रेंड्स। और आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारे ढोकले की रेसिपी कैसी लगी। और देख सकते हैं आप कितने यम्मी और कितने डिलीशियस लग रहे हैं देखने में, आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप ब्रेकफास्ट में इसको ज़रूर बना के बच्चों को खिलाएं। इसके बाद मैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पीसेस में कट कर लीजिए जैसे आपको पसंद हो पीसेस, बिल्कुल उस टाइप से मैं कट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा धनिया का भी फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस टाइप से पीसेस को कट कर लिया है। बहुत स्पंजी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ढोकला बनकर रेडी हुआ है। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स, हम तड़का बनाना स्टार्ट कर देते हैं खट्टा मीठा। देखिए, मैंने ये पैन ले लिया है, पैन में मैं 1 चम्मच ऑयल रिलीज कर रही हूँ। 1 चम्मच अब ऑयल घेर लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद मैंने ये मस्टर्ड सीड्स ले लिए हैं, सरसों के दाने आप इसमें ले लीजिए। देखिए, इसके बाद मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, ये फ्रेश कड़ी पत्ते यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं। बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है, आपके पास कड़ी पत्ते नहीं है तो आप इसके अंदर धनिया भी डाल सकते हैं हरा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इसमें 4 हरी मिर्च ली है, इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है बीच में से। और आधे कटोरी या 1 कटोरी आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर
चीनी डाल रही हूँ, इससे हम खट्टा मीठा पानी बना रहे हैं तो इसलिए हमें चीनी डालने बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा चीनी ना डालते, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसके अंदर आधा नींबू यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हम आधा नींबू यूज़ कर रहे हैं, और देख सकते हैं हमने खदका लगा लिया है तो हमारा मीठा पानी भी रेडी हो चुका है। उसे हम 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। और देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है हमारा ढोकला। इसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, बिल्कुल ढोकले वाला खट्टा मीठा पानी बनकर रेडी हो चुका है और बहुत ही यम्मी डिलीशियस लगता है फ्रेंड्स। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और आप अपने ब्रेकफास्ट में, शाम को, इवनिंग में भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। वो मुझे पता है कि आपके मुंह में भी पानी आ ही चुका है हमारे ढोकले को देख के। और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।